13 दिसंबर को हुई संसद सुरक्षा चूक मामले के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। अब संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, पहले संसद की सुरक्षा दिल्ली पुलिस करती थी, लेकिन इस चूक के बाद बड़ा सियासी बवाल हुआ है और दिल्ली पुलिस के 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ से संसद की सुरक्षा का प्रभार लेने को कहा है। सीआईएसएफ अपनी सुरक्षा और फायरविंग की तैनाती से पहले परिसर का सर्वेक्षण करेगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में संसद की सुरक्षा संभालने वाली सीआईएसएफ में क्या खास है जो इसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और कब और क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी। कब और क्यों हुआ सीआईएसएफ की स्थापना? जून 1964 में रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्लांट में आग लग गई थी। यह आगजनी की भयंकर घटना थी। इस मामले की जांच के लिए जस्टिस मुखर्जी कमीशन बनाई गई। कमीशन ने एक इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना करने की सिफारिश की थी। इस प्रकार 10 मार्च 1969 को संसद के एक अधिनियम द्वारा सीआईएसएफ का स्थापना हुआ। क्या करती है सीआईएसएफ? CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये औद्योगिक उपकरणों की बेहतर सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार 1 नवंबर 1969 को महाराष्ट्र के ट्रांबे में भारतीय उर्वरक निगम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सुरक्षा में लगाया गया था। प्रारंभ में इसका दायरा सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों की सुरक्षा तक ही सीमित था, लेकिन 2009 में ज्वाइंट वेंचर्स और निजी उपक्रमों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। यह प्राइवेट सेक्टर को परामर्श सेवाएं यानी कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है। यह गृह मंत्रालय के तहत आने वाले 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF में से एक है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस शामिल है, CAPF के अंतर्गत आते हैं। कितनी बड़ी है CISF की फौज? CISF में 1.8 लाख जवान एक साथ काम कर सकते हैं। स्थापना के समय CISF में केवल 3,000 कर्मचारियों की जगह थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। CISF का नेतृत्व महानिदेशक स्तर का एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी यानी IPS करता है। इस बल को अग्निशमन सेवा विंग के अलावा इसे 9 सेक्टरों यानी हवाई अड्डा, उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, प्रशिक्षण, दक्षिण पूर्व, मध्य में विभाजित किया गया है। कहाँ कहाँ सुरक्षा देती है CISF? पिछले कुछ वर्षों में CISF की ताकत में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। इसमें कारखानों और औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा के अलावा भी बहुत कुछ शामिल हो गया है। आज के समय में यह फोर्स देश भर में 350 से अधिक स्थानों की सुरक्षा करती है। CISF RBI की नोट छपाई, टकसाल, ताजमहल जैसे विरासत स्मारक, 60 से अधिक हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की भी सुरक्षा करती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि CISF एक कंपनसेंट्री कॉस्ट फोर्स है। इसका मतलब यह है कि CISF जो सर्विस देता है उसका पैसा वह अपने कस्टमर बिल के रूप में वसूलता है। CISF के पास है अपना फायरविंग। CISF की सुरक्षा में आग से सुरक्षा शामिल है, क्योंकि इसकी स्थापना ही एक आगजनी की घटना के बाद हुई थी। 53 कर्मियों की क्षमता वाली पहली फायरविंग इकाई को 16 अप्रैल 1970 को कोचीन के फैक्ट में शामिल किया गया था। इस बल के भीतर एक अलग अग्निशमन सेवा कैडर 1991 में स्थापित किया गया था, जो आज भारत की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी प्रशिक्षित और सुसज्जित फायर फाइटिंग फोर्स है। CAPF में सिर्फ CISF के पास ही अपना खुद का फायर फाइटिंग फोर्स है। VIP लोगों को भी सुरक्षा देता है CISF। पिछले कुछ सालों से CISF VIP लोगों को भी सुरक्षा देने लगा है। गृह मंत्रालय ने पहले 2018 में एक संसदीय समिति की सिफारिश के बाद की थी। दरअसल संसदीय समिति से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP और राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी NSG का वर्कलोड कम करने का सुझाव मांगा गया था। समिति ने CISF को VIP सुरक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया था। 2020 में सरकार ने NSG को सिक्योरिटी ड्यूटी से हटाने का फैसला किया, ताकि वो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी ड्यूटी पर फोकस कर सके। तो ये थी CISF से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।